शरद पवार ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। उनके इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई। बीते कई दिनों से उनके भतीजे और पार्टी नेता अजीत पवार के पार्टी छोड़ने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। इस बीच शरद पवार की इस घोषणा ने सबको चौंका दिया। दरअसल शरद पवार ने मुंबई में अपनी आत्मकथा लोकमांझे सांगाती के संशोधित संस्करण के विमोचन के अवसर पर पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया। पवार ने कहा कि राजनीतिक यात्रा 1 मई 1960 से शुरू हुई थी और पिछले 63 वर्ष से अनवरत जारी है। उन्होंने कहा इतने वर्षों में उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए महाराष्ट्र और देश की सेवा की है। उन्होंने कहा कि मेरी राज्यसभा की सदस्यता का 3 वर्ष का कार्यकाल बाकी है। इस दौरान मैं बिना किसी पद के महाराष्ट्र और देश के मुद्दों पर ध्यान दूंगा। 1 मई 1960 से 1 मई 2023 की लंबी अवधि में एक कदम पीछे लेना जरूरी है, इसलिए मैंने NCP का अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया है। जयंत पाटिल और पार्टी नेता जितेंद्र चव्हाण अपने वरिष्ठ नेता की घोषणा के बाद रो पड़े। वहीं पार्टी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने हाथ जोड़कर पवार से उनका फैसला वापस लेने की विनती की। शरद पवार के इस्तीफा देने का ऐलान करने के बाद NCP कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार ने अपने इस्तीफे की घोषणा करने से पहले किसी को विश्वास में नहीं लिया। शरद पवार ने उनके इस्तीफे का विरोध कर भावुक कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन NCP के अध्यक्ष के रूप में नहीं। शरद पवार के इस्तीफे के बाद उद्धव ठाकरे गुट में भी खलबली मच गई और मातोश्री पर संजय राउत समेत कई नेता पहुंचे। शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद खाली होने पर इसके लिए चुनाव का फैसला करने के लिए NCP नेताओं की एक समिति बनाने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि समिति में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होने चाहिए, जिनमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, KK शर्मा, PC चाको, अजीत पवार, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले, छगन भुजबल, दिलीप वालसे पाटिल, अनिल देशमुख, राजेश टोपे, जितेंद्र नवाड़, हसन मुशरीफ, धनंजय मुंडे, जयदेव गायकवाड़ शामिल हैं। पवार ने कहा कि इन पदेन सदस्य फौजिया खान अध्यक्ष राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस, धीरज शर्मा अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस और सोनिया दुहन अध्यक्ष राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस भी होने चाहिए। अपने फैसले की घोषणा करने के बाद शरद पवार कार्यक्रम स्थल पर 2 घंटे तक रहने के दौरान बमुश्किल बोल पाए। पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक शरद पवार इस्तीफा देने के अपने फैसले को वापस नहीं लेते तब तक वे कार्यक्रम स्थल से नहीं हटेंगे। पार्टी के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफे देने की भी बात कही। आखिर में शरद पवार दोपहर करीब 2:30 बजे अपने आवास सिल्वर ओक के लिए रवाना हुए। अजीत पवार ने कहा कि उम्र को देखते हुए फैसला लिया गया है और अब फैसला पलटने वाला नहीं है। हालांकि इसके बाद भी कई कार्यकर्ताओं ने अजीत पवार का विरोध करना शुरू कर दिया और शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन कर पार्टी कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश के तहत शरद पवार ने कहा कि अपने फैसले पर सोचने के लिए उन्हें 2-3 दिन का वक्त चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं को शरद पवार के संदेश से अवगत कराते हुए अजीत पवार ने पार्टी पदाधिकारियों से भी आग्रह किया कि वे उनके अप्रत्याशित फैसले के विरोध में अपने पदों से इस्तीफा नहीं दें। अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने फैसला कर लिया है, लेकिन आपके आग्रह पर इस पर सोचने के लिए 2-3 दिन का वक्त चाहिए। हालांकि वो भी इस बारे में तभी सोचेंगे जब सभी कार्यकर्ता अपने अपने घर लौट जाएंगे। शरद पवार की घोषणा उनकी बेटी सुप्रिया सुले के राजनीतिक विस्फोट वाले बयान के कुछ दिनों बाद आई है। हाल ही में सुप्रिया सुले ने कहा था आने वाले 15 दिनों में 2 राजनीतिक विस्फोट होंगे, एक दिल्ली में और दूसरा महाराष्ट्र में। शरद पवार के इस्तीफे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा के शायद सुप्रिया सुले को शरद पवार के इस फैसले की जानकारी थी। अब उनके दिल्ली वाले राजनीतिक विस्फोट को लेकर के भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।